माँ चंद्रघंटा की अलौकिक कथा सुनने मात्र से भक्तों को माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ के साक्षात दर्शन की अनुभूति प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे और क्यों हुई, इनको किस विधि से प्रसन्न किया जाता है, इनकी पूजा करने से क्या लाभ मिलते हैं, जानिए माँ चंद्रघंटा की इस कथा के माध्यम से। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। लोकवेद के अनुसार माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना सदैव फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ के आराधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करती है, वहीं देवी साधक की सभी प्रकार से रक्षा करती है। हमें चाहिए कि अपने मन वचन कर्म एवं काया को वेद विधि विधान के अनुसार पुनर्तः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हो। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। देवी देवताओं के मूल व साधना की सही विधि तत्वदर्शी यानी संत पूर्ण संत ही बता सकते हैं, ऐसा हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों प्रमाणित करते हैं। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में तृतीय दिन इसका जाप करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को नारंगी रंग प्रिय है। भक्त को जहाँ तक संभव हो पूजन के समय सूर्य के आभा के समान रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ, सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन सांवली रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं। भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए।